नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है शिक्षा एकेडमी के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा के बारे में, जो कि अभी निरस्त होने की कगार पर पहुंच गई है। क्योंकि दोस्तों, यहां पर जो एग्ज़ाम हुआ था उससे पहले यहां पर एग्ज़ाम पेपर आउट होने की खबर पूरी तरह से यहाँ पर फैल चुकी है। क्योंकि दोस्तों, जैसे ही यह फैली है, लगभग सभी अभ्यर्थियों के पास यह खबर पहुंच गई थी कि जो पेपर होने वाला है वह आउट हो चुका है। दोस्तों, इससे लेकर संपूर्ण यूपी में जो भी जितने भी विद्यार्थी हैं, सभी विद्यार्थियों ने अपन जो अपना प्रदर्शन है वो प्रदर्शन किया है ग्राम विकास अधिकारी के समक्ष, और दो ज्ञापन भी उनके लिए सौंपा है कि इसकी निष्पक्ष जाँच हो। तो दोस्तों, ग्राम विकास अधिकारी जो हेड हैं, उन लोगों ने यह कन्फर्म कर दिया है कि जहाँ जो परीक्षा के पहले जो एग्ज़ाम आउट हुआ था उसकी बिल्कुल बारीकी से यहाँ पर जांच हो गई। दोस्तों, यह कन्फर्म पाया गया है कि पाया जाता है तो फिर यहाँ परीक्षा नष्ट भी हो सकती है, और इसका ग्राम विकास अधिकारी जो है यह इसकी परीक्षा भी दोबारा की जाएगी। दोस्तों, अभी यह कन्फर्म नहीं हुआ है कि परीक्षा निरस्त होनी भी है या अभी नहीं होनी है। तो लेकिन दोस्तों, परीक्षा निरस्त होने के लगभग 19% चांस बनते जा रहे हैं। क्योंकि दोस्तों, जैसे ही इस जाँच होगी और यह कन्फर्म हो जाता है कि जो एग्ज़ाम आउट हुआ था वह बिल्कुल एग्ज़ाम के पहले और सेम एग्ज़ाम जो होने वाला पेपर है भाई आउट हुआ, तो दोस्तों यह परीक्षा कंफर्म 100% ही निरस्त की जाएगी। क्योंकि दोस्तों, यदि पेपर आउट हुआ तो कैसे हुआ, क्यों हुआ और किसने किया, ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं जो कि मीडिया तक अभी तक पहुंचे नहीं है। जैसे ही मीडिया तक पहुंच जाएंगे तो मीडिया भी इनका साथ देने लगी, और जैसे ही मीडिया इनका साथ देगी तो मेरे को परीक्षा निरस्त होने के 100% चांस बन जाएंगे। तो दोस्तों, यदि यह कंफर्म है कि परीक्षा के पहले ही एग्ज़ाम पेपर आउट हो गया था तो परीक्षा निरस्त होनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों, बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी रहते हैं जो अपने बिल्कुल मेहनत से तैयारी करते हैं, जिससे अच्छे अंक पाने के बाद भी उनका वहाँ पर सिलेक्शन नहीं हो पाता, और दोस्तों जो एग्ज़ाम आउट हो जाता है या पेपर लीक हो जाता है, जो पेपर लीक करने वाले विद्यार्थी होते हैं वह अच्छे नंबर ला कर क्वालिफाई कर जाते हैं। इसी कारण से दोस्तों, जो इस अधिकारी बनने के लायक होता है वह अधिकारी नहीं बन पाता, और जो अधिकारी बनने लायक नहीं होता वह अधिकारी बन जाता है। इसलिए दोस्तों, इसी कारण से यह परीक्षा निरस्त की जाएगी। क्योंकि दोस्तों, बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी रहेंगे जिनका यहाँ पर जो स्कोर है वह काफ़ी अच्छा रहा होगा मेहनत से, और जो विद्यार्थियों ने जहाँ पर जो आउट होने के बाद यहाँ पर एग्ज़ाम दिया था उनका भी बहुत अच्छा स्कोर गया होगा। लेकिन फ़र्क इतना है कि कुछ विद्यार्थियों ने मेहनत करके यहाँ पर अच्छा स्कोर किया है, और कुछ विद्यार्थियों ने यहाँ पर पेपर आउट होने की वजह से अच्छा गया होगा। लेकिन यह कन्फर्मेशन नहीं है कि कुछ विद्यार्थियों को ही यहाँ पर जो पेपर है आउट हुआ था। दोस्तों, इसकी जानकारी संपूर्ण पूरे यूपी में पहुँच गई थी कि पेपर आउट हो चुका है, और पेपर होने के पहले ही यह कन्फर्मेशन पहुँच गई थी सभी के पास, और लगभग कुछ लोगों ने तो यहाँ पर पेपर भी देख लिया था कि कौन सा प्रश्न पेपर यहाँ पर आने वाला था। दोस्तों, यह परीक्षा बिल्कुल 100% तो नहीं कह सकते, लेकिन 19% है यह कि परीक्षा निरस्त होने के पूरे पूरे चांस यहाँ पर बन चुके हैं। जैसे दोस्तों, यह निष्पक्ष जाँच होनी कंप्लीट हो जाएगी, वैसे ही उसके बाद निर्णय लिया जाएगा कि परीक्षा आकर निरस्त होनी है या फिर जो प्रक्रिया चल रही है वह कंटिन्यू चलेगी। यह जो आउट होने की खबर है यह सही है या गलत है, या फिर कितनी सच्चाई है, तो आगे कितनी इसमें सच्चाई है, किसने इसको आउट किया है। ठीक है दोस्तों, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, जैसे इसका कोई अपडेट आता है तो उसको तुरंत आप तक पहुंच जाएगा। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी नया अपडेट आएगा तो आप तक आसानी से पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए दोस्तों बाय।